एक वक्त था जब मुंबई इंडियंस की दिल और धड़कन थे हार्दिक पांड्या, जैसे सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स, सीएसके और आरसीबी के लिए थे, वैसे ही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए थे। अगर आप रोहित को आउट करते हो, फिर सूर्य कुमार को भी आउट करते हो और फिर ईशान किशन और पोलार्ड को भी एलिमिनेट करते हो, तो मैच उधर खत्म नहीं थी क्योंकि अभी भी वेटिंग में थे कुंगफू पांड्या। हार्दिक की वजह से मुंबई के पास वो एक्स फैक्टर हमेशा था और मुंबई के कट्टर फैंस के लिए हार्दिक पांड्या एक रिलेटेबल बैट्समैन बन चुके थे। मुंबई ने 2015 में हार्दिक पांड्या को 10 लाख में खरीदा। अपने डेब्यू सीजन में हार्दिक ने अपना पोटेंशियल शो किया और 112 रन्स किए। 2016 में इंटरनेशनल में डेब्यू के बावजूद उनकी प्राइस 10 लाख ही थी, लेकिन हार्दिक के लिए ये सीजन बहुत खराब आया और सिर्फ 44 रन्स किए उन्होंने। मुंबई ने 2017 की सीजन के लिए वापिस रिटेन किया। मुंबई पूरा ट्रस्ट शो कर रही थी हार्दिक में और हार्दिक ने 2017 के एडिशन में 250 रन्स किए और 6 विकेट्स भी लिए। ये सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था हार्दिक के करियर के लिए। इस वक्त तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बड़ा कर चुके थे हार्दिक और फाइनली उनको उनके हार्डवर्क का फल मिला और मुंबई ने 11 करोड़ में उनको रिटेन किया। मुंबई मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि मुंबई पलटन ने भी अपना लिया था हार्दिक को इस वक्त तक। फिर 2018 के सीजन में हार्दिक ने 260 रन्स किए और 18 विकेट्स लिए। एक परफेक्ट इंडियन ऑलराउंडर के रूप में निकल के आए इस सीजन हार्दिक पांड्या। एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन चुके थे हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए। फिर 2019 के सीजन में 402 रन्स किए और 14 विकेट्स भी लिए। मुंबई की इन्वेस्टमेंट अभी अपने वैल्यू दिखा रही थी। फिर अगले दो सीजन में 281 और 127 रन्स किए हार्दिक ने। अभी आने वाला था मेगा ऑक्शन क्योंकि दो नई टीम ऐड होने वाली थी, तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि कौन किधर जाएगा कौन किधर नहीं। मुंबई की टैगलाइन है वन फैमिली, मतलब उनकी टीम, मैनेजमेंट्स और फैंस एक पूरी फैमिली है। The family. And this team here is all about that. लेकिन कभी कभी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो ऐसा क्या हुआ जिससे मुंबई पलटन्स का फेवरेट उनका वर्स्ट एनिमी बन गया है अभी? I'll have zero tolerance when it comes to secrecy in this room. Even a sniff out will start a whole story. थ्री मेजर रीजंस जो मुझे दिखते हैं, बहुत सारे लॉयल मुंबई इंडियंस और बाकी क्रिकेट फैंस के साथ बात करके मुझे ये तीन मेजर रीजंस लग रहे हैं जिस वजह से हार्दिक पांड्या एक विलन बन चुके हैं अभी। I'm not going to tell you where I came from. You probably know that. I will tell you where I'm taking you. It's towards that peak called sporting success. That sweet lofty spot. IPL एक ऐसी दुनिया है, अगर आप टैलेंटेड हो, मैच विनर हो, तो आप सबको चाहिए और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करते। अभी ये आप पर है कि आप कितने लॉयल हो आपके फ्रेंचाइज के साथ। एक इंटरव्यू के दौरान सुरेश रैना ने बताया था कि बहुत सारी टीम्स ने उनको अप्रोच किया था और कैप्टनसी भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने धोनी के साथ बात की और धोनी ने बोला, ये देख मैं कैप्टन, तू वाइस कैप्टन, ये अपनी टीम है, हम साथ में जीतेंगे। और रैना सीएसके ब्लड रहे एंड तक। अभी वो आर्गुमेंट अलग है जो आप सोच रहे हो, उस पर हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पर है, रैना की अंडरडॉग स्टोरी। मुंबई के साथ 7 सीजन रहने के बाद कुंगफू पांडे को रिलीज किया मुंबई इंडियंस ने और गुजरात टाइटन्स ने ड्राफ्ट में पिक किया हार्दिक पांडे को। अभी इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए थे कि क्यों रिलीज किया हार्दिक को। एक थ्योरी ऐसी भी थी, हार्दिक वॉज नॉट हैप्पी विद हिज रिटेंशन नंबर और मुंबई इंडियंस को रोहित, बुमराह, पोलार्ड और सूर्य को भी रिटेन करना था, तो दोनों पार्टी एग्रीमेंट में थे और आशीष नेहरा ने हार्दिक पांडे को कांटेक्ट किया। मेरा पहला ड्राफ्ट पिक होगा हार्दिक, इसे उसको कप्तान भी बनाऊंगा, उसके चार पे बैटिंग भी करवाऊंगा। ये डिसीजन मुंबई के फैंस को अच्छा नहीं लगा क्योंकि अपना ही बंदा अपनी टीम छोड़कर दूसरी टीम ज्वाइन कर रहा है। दिस वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर लॉयल पलटन्स। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक मिलने वाला था लॉयल पलटन्स को जब हार्दिक पांडे का ये इंटरव्यू आया। इस इंटरव्यू ने हार्दिक को कम्प्लीट विलन बना दिया था पलटन के लिए, मुंबई के फैंस के खिलाफ, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन सीएसके थी और ना कि मुंबई इंडियंस। देयर आर टू काइंड ऑफ सक्सेस यू कैन गेट। वन इज गेट द बेस्टेस्ट पीपल पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, व्हिच आई फील एम आई हैड those years where we've gone. Yeah. Or have the best environment possible for you to win, yeah. Which has been a CSK type. Good. Where yeah. No matter who players are, they find comfort the there the best out of and them. Best out of them. And that was something more inspiring for me, that to get not the best players,
but to get the best environment and get this. मुंबई के फैंस लॉयल्टी किधर गई ऐसा पूछ रहे थे हार्दिक को, लेकिन हार्दिक का फोकस अभी उनकी ओल्ड टीम नहीं बल्कि उनकी करंट टीम यानी कि गुजरात टाइटंस. और फिर आता है रोहित शर्मा का ये रिस्पांस. It is going to be a same story of what has happened with Bumrah, Hardik and all these guys. That is the same story that is going to happen with guys like Tilak Varma and Nihal Vadera. You watch the next 2 years. Then people will say, अरे ये तो सुपरस्टार टीम है. अरे भाई हम बना रहे हैं इधर बैठ के उनको यार. हम जा रहे हैं उनको देख रहे हैं. हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको और लेके आ रही है. और ये बात सिर्फ 9 महीने पुरानी है और अब ये दोनों एक साथ मुंबई के लिए खेलने वाले हैं. लेकिन ट्विस्ट ऐसा है कि हार्दिक कैप्टन है और रोहित नहीं. We will continue with this, लेकिन उससे पहले आपको ये दूसरा वाला मेजर रीजन पता होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरा रीजन ऐसा है कि जिस वजह से हार्दिक की करंट इमेज क्रिएट हुई है फैंस के सामने. आपको याद ही होगा क्या हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच के एंड में, जब तिलक वर्मा 49 पर थे और इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे. हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे और ऐसा लग रहा था कि मे बी वो सिंगल लेके वर्मा को स्ट्राइक देंगे एंड ही विल कंप्लीट हिज 50, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और हार्दिक पांड्या ने 6 लगाकर वो मैच जिता दी और तिलक वर्मा की 50 रह गई. बहुत सारे लोगों ने हार्दिक पर बैकफायर किया. हार्दिक पांडे को कंपेयर करने लगे थे विद MS धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, लेकिन हार्दिक पांडे का रिस्पांस था, यू हैव टू स्टे देयर एंड फिनिश द गेम, रिमेनिंग नॉट आउट मेक्स अ डिफरेंस. मेक अ डिफरेंस से याद आया एक और कंट्रोवर्सी हुई थी 2019 में, जब हार्दिक पांड्या कॉफी विद करण के शो में गए थे. वो एक इंसिडेंट ऐसा था जो हार्दिक पांड्या हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे और तब से अभी तक ही हैज प्रीटी मच मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट कंट्रोवर्सी. लेकिन कुछ इंप्रेशन लास्टिंग रहते और इसी वजह से बहुत सारे फैंस हार्दिक को अभी भी जज करते. ICC वर्ल्ड कप हारने के बाद ऐसा लग रहा था शायद BCCI might replace रोहित with हार्दिक for T20s and ODI. लेकिन ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है अभी तक. T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला इस सीजन जून में, उसके लिए रोहित शर्मा कैप्टन रहने वाले. लेकिन उससे पहले IPL आने वाला है जहां पर रोहित हार्दिक के अंडर खेलने वाले. एंड वी आर बैक टू द स्क्वायर वन, द मेन पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, द थर्ड मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई एवरीवन हेट्स हार्दिक पांड्या. जैसे मैंने बात की कुछ मुंबई इंडियंस के फैन के साथ, दे टोल्ड मी दैट वो लोग खुश है हार्दिक के आने से, लेकिन ना खुश है क्योंकि उसने रोहित को रिप्लेस किया एज अ कैप्टन. अगर सूर्या बुमराह रिप्लेस करते रोहित को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको, लेकिन जो बिहेवियर हार्दिक का था मुंबई के लिए जब वो गुजरात में थे, उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है. अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया हो और फर्स्ट मेजर रीजन सही से देखा हो तो आपको पता होगा कि हार्दिक ने CSK को प्रेस किया और मुंबई को कंपेयर. इसी वजह से पलटन के जो फैंस है उनको लगता है कि हार्दिक पांड्या लॉयल नहीं है मुंबई इंडियंस की टीम के साथ. लेकिन अगर रिपोर्ट्स को देखे तो ऐसा कहा जाता है कि हार्दिक की एक शर्त थी, अगर वो वापस आते हैं मुंबई को तो उनको कैप्टन बनाना ही पड़ेगा, तो ही वो मुंबई आएंगे वरना वो नहीं आने वाले. और मुंबई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था. और कुछ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, कैप्टन हार्दिक पांड्या. और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई इंडियंस को ट्रेड सेटलमेंट फी भी देनी पड़ी थी गुजरात को, और वो फीस अराउंड 100 करोड़ थी. अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो कमिटमेंट दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग लग रही है. हार्दिक को हेट करने का मेजर रीजन उनकी एग्जिट और कमबैक के बीच की स्टोरी है. लेकिन कुछ भी कहो, जो प्लेयर 10 साल पहले अनसोल गया था, जो किसी को नहीं पता था कि कौन है और जिसको लोग कुछ भी बोल रहे थे, अभी 10 साल के बाद देखो IPL की सबसे सफल में से एक टीम का वो कैप्टन बन चुका है. लेकिन 10 साल पहले एक और चीज हुई थी जिससे ये टीम इतनी सफल बनी है, और वो है हेटमैन का जन्म एज अ कैप्टन. से रोहित शर्मा कैप्टन है मुंबई इंडियंस की और अभी तक उन्होंने 5 बार ये ट्रॉफी जिताई है मुंबई इंडियंस को. लेकिन 2020 के बाद मुंबई IPL नहीं जीती. पिछले 3 सीजन बहुत खराब गए हैं मुंबई इंडियंस के लिए, तो कुछ चेंजेस तो जरूरी थे. और मार्क बाउचर जो मुंबई के कोच है, उन्होंने बताया कि replaced रोहित शर्मा with हार्दिक पांड्या. What led to that decision? I think it's just a decision of we saw a window period to get Hardik back as a player. When you arrive at the RPL, and he'll be able to tell you as well, is that there's a lot of stuff going on. There's photo shoots and this and that. And a lot of the emphasis is not actually on the cricket. It's more about the advertising and all that sort of stuff. He walks into a place and then there's just cameras and everything. He's so busy. And he hasn't had probably the best couple of seasons of late with the bats, but he's done well as a captain. Speaking with the whole Mumbai Indians group, we thought that maybe this is an opportunity for him to step in for his last year or so. Step in for his last year or so.
और इसे हमें ये पता चलता है कि थिंग्स aren't good within one family. ये इंसिडेंट पहले भी हुआ है MS धोनी जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट में थे, डेविड वॉर्नर जब सनराइजर हैदराबाद के साथ थे, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहा है. Why did Mumbai Indian turned on Rohit Sharma? आपके स्क्रीन पर वीडियो होगा, क्लिक एंड लेट्स टॉक देयर.